So guys, this is Kamil and you're watching K Production YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाए है BN ऐप के अंदर आप ट्रेंडिंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना और जल्दी से हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ BN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में। तो BN ऐप पर आने के बाद नीचे प्लस आइकन में इस पर आप क्लिक करना, न्यू प्रोजेक्ट पर आप क्लिक करना और यहाँ से अपना कोई वीडियो या कोई फ़ोटो आप ऐड कर लेना या आप कोई बैकग्राउंड ऐड कर लेना ब्लैक कलर का। तो यहाँ से मैं एक जो है ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड कर लेते। सो बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना तो आपका बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाएगा। नीचे आपको एयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करना तो आपका बैकग्राउंड आ जाएगा। सो आप इसे छोटा कर लेना कुछ इस तरीके से टाइमलाइन को, एंड उसके बाद आपको ये ब्लैंक स्क्रीन मिलते इसे डिलीट कर लेना। डिलीट पर क्लिक करके उसके बाद आप बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे और आप इसका जो टाइम ड्यूरेशन उसको कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो ये आप देख सकते हो मैंने इसका जो टाइम ड्यूरेशन है बड़ा कर लिया। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मिलता है टैप टू ऐड म्यूजिक, आप इस पर क्लिक करना, यहाँ से म्यूजिक ऑप्शन को सिलेक्ट करना और उसके बाद आप यहाँ से अपना जो म्यूजिक उसको ऐड कर लेना। सो यहाँ से मैं अपना एक म्यूजिक ऐड कर लेता हूँ। सो चूज़ के ऊपर आप क्लिक करना तो आपका म्यूजिक आ जाएगा। सो आपका म्यूजिक यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। तो जब तक प्रोसेसिंग नहीं हो जाए तब तक आपको यहाँ पर वेट करना है। प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाने के बाद नीचे टिक मार्क का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करना तो आपका म्यूजिक आ जाएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ से आप अपना जो म्यूजिक उसको सबसे पहले प्ले करेंगे सॉन्ग को, एंड प्ले करके आप सुन लेंगे कि आपका लिरिक्स क्या है सॉन्ग का, सबसे पहला लाइन क्या है, ठीक है। सो जैसे कि मुझे पता है अपने सॉन्ग का लिरिक्स, सो मुझे सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं और मुझे परफेक्टली पता है कि कौन सा लिरिक्स कहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, कौन सा लाइन। लेकिन आपको इसे प्ले करके सुन सुन के लिखना होगा। एंड अगर आपको पहले से आता है सॉन्ग का लिरिक्स तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, प्ले करके आप सुन लेना। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है टैप टू ऐड सबटाइटल, आप इस पर क्लिक करना, टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करना और यहाँ पर आप जो है इनपुट टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना सॉन्ग का जो सबसे पहला लाइन है उसको आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। सो कुछ इस तरीके से आपको जो अपने सॉन्ग का जो लिरिक्स है सबसे पहला लाइन इसको टाइप कर लेना है। सो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको टाइप करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपने सॉन्ग का जो सबसे पहला लाइन है उसको टाइप कर लिया। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने सॉन्ग का सबसे पहला लाइन इसको टाइप कर लेना है। और अगर सॉन्ग का सबसे पहला लाइन थोड़ा लंबा है तो आप ऐसा कीजिएगा उसको दो लाइन में लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर सॉन्ग का जो सबसे पहला लाइन वो लंबा है तो आप एक लाइन में उसको लिखने की कोशिश ना करें, आप उसको दो लाइन में लिखिएगा, ठीक है, तभी आपका जो लिरिक्स है वो बेहतर बन पाएगा। एंड उसके बाद फ़ॉन्ट के ऊपर आप क्लिक करना और यहाँ पर आपको काफ़ी सारा स्टाइलिश फ़ॉन्ट मिलता है, आप कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है सही लगता है सो उसे आप अप्लाई कर लेना। और यहाँ पर कुछ इस टाइप का फ़ॉन्ट मिलता है, सो मैं ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई करता हूँ। एंड साइज़ के ऊपर क्लिक करके हम इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर टिक मार्क के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद आप इसका जो टाइम ड्यूरेशन है छोटा कर लेना, सो कुछ इस तरीके से। सो आप इसे अराउंड 1.5 सेकंड कर लेना, यानी कि 1.5 सेकंड के आसपास कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन लेने का मोशन, आप इस पर क्लिक करना। अभी आपको अपना टेक्स्ट पर एनिमेशन डालना है, सो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे एनिमेशन मिलते हैं, कोई भी एनिमेशन आप अप्लाई कर सकते हो जो भी आपको सही लगता है। सो कुछ इस टाइप का एनिमेशन मिलता है, ये आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, ये वाला एनिमेशन को अप्लाई करता हूँ। एंड उसके बाद आपको आ जाना सीधा आउट एनिमेशन पर, आने के बाद आप फेड को अप्लाई कर लेना अगेन, यानी कि जो भी एनिमेशन आप यहाँ से अप्लाई करेंगे आउट एनिमेशन पर आके आप उसका ऑपोजिट एनिमेशन अप्लाई करेंगे। एंड उसके बाद टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर लेना। अभी आपको क्या करना है, इसे टेक्स्ट एक डुप्लीकेट लेयर आपको बना लेना, यानी कि कॉपी कर लेना इस टेक्स्ट को। तो इसके लिए आप डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे ड्रैग करके आगे लेके आ जाना इस तरीके से। एडिट के ऊपर क्लिक करना, आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करना, एडिट करके आप इसे रिमूव कर लेना। रिमूव करके जो भी आपके सॉन्ग का नेक्स्ट लाइन वो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अपने सॉन्ग का जो नेक्स्ट लाइन उसको टाइप कर लेता हूँ। गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने अपने सॉन्ग का जो नेक्स्ट लाइन उसको टाइप कर लिया। एंड उसका देखें टिक मार्क के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन इसी टेक्स्ट को आपको डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करके इसे आप ड्रैग करके आगे लेके आ जाना। आगे लेके आने के बाद आपको एडिट के ऊपर क्लिक करके अगेन इसी टेक्स्ट को एडिट कर लेना है। एडिट करके जो भी आपके सॉन्ग का नेक्स्ट लाइन है आपको टाइप कर लेना है। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम टाइप कर लेंगे, सो ये आप देख सकते हो। सो उसके बाद यहाँ पर अगेन आप टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर लेना। सो मैं देख रहा था कि हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, सो उसके बाद टिक मार्क के ऊपर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन इसे डुप्लीकेट कर लेना है। एंड इसे ड्रैग करके आप आगे लेके आ जाना। एडिट के ऊपर क्लिक करके आप इसे अगेन एडिट कर लेंगे। एडिट करने के बाद जो भी आपका सॉन्ग का नेक्स्ट लाइन उसको आपको टाइप कर लेना है कुछ इस तरीके से। सो आप देख सकते हो मैंने टाइप कर लिया, सो इस तरीके से आप टाइप कर लेंगे, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर अगेन आपको क्या करना है, ओके में प्रेस करना है। अगेन आपको क्या करना है, इसे टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर लेना है यहाँ से।
सो कुछ इस तरीके से मैं आपको डेमो के लिए सिखा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मेरी सॉन्ग का जो लिरिक्स हो सही ना हो या कोई ऐसा स्पेलिंग जो बिल्कुल सही ना हो, तो आप जो है बिल्कुल इस चीज़ का फिक्र मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जस्ट डेमो के लिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको सिखाने के लिए। सो इसे रिमूव करके जो भी आपका सॉन्ग का नेक्स्ट लाइन उसको आपको टाइप कर लेना है। तो इसी तरीके से आप अपनी सॉन्ग का जो लिरिक्स उसको सबसे पहले लिखना कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपनी सॉन्ग का लिरिक्स लिख लेता हूँ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने अपनी सॉन्ग का पूरा लिरिक्स लिख लिया एंड उसको जैसे कर देते हैं डन। सो कुछ इस तरीके से आप भी अपनी सॉन्ग का पूरा लिरिक्स लिख लेंगे जिस तरीके से मैंने आपको लिख के दिखाए। जैसे आप देख सकते हो, आप भी मैं आपको यहाँ से एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। सो यहाँ से मैं प्ले करता हूँ एंड कुछ इस तरीके से आपको भी अपने सॉन्ग का जो लिरिक्स उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जिस तरीके से आपको लिख के दिखाया इसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे सेव कर लेना है अपनी गैलरी पर, एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इसको ना आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से आप 1080p रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लेना, FPS आप 30 सिलेक्ट करना, बिटरेट आप हाई सिलेक्ट करना, टिक मार्क का ऑप्शन मिलेगा इस पर आप क्लिक करना, तो आपका जो लिरिक्स वीडियो सीधा आपकी गैलरी पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी हमें इसके अंदर ग्लो इफेक्ट ऐड करना है और रेन ड्रॉप इफेक्ट ऐड करना है, यानी कि जो टेक्स्ट हमने लिखा सॉन्ग का लिरिक्स जो हमने वर्ड लिखा इसको हमें ग्लो करना है, ठीक है। और साथ में इसमें इफेक्ट वगैरह जो भी ऐड करना है करेंगे। तो इसके लिए अभी आपको ज़रूरत पड़ेगा नोट वीडियो एडिटर एप्लीकेशन का। तो नोट वीडियो एडिटर एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये रहा नोट वीडियो एडिटर एप्लीकेशन, इसे आप डाउनलोड कर लेना। इसका जो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम नोट वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते। तो इसे ओपन करने के बाद इसका जो इंटरफेस है आपको कुछ ऐसा मिलता है। सो उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करना। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्लस आइकन, आप इस पर क्लिक करना। और यहाँ पर आपको सबसे पहले मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, मीडिया के ऊपर आप सिंपली क्लिक करना। मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको वीडियो मिलेगा स्टार्टिंग में, आप इस पर क्लिक करना। और उसके बाद आप यहाँ से अपना गैलरी से जो आपने लिरिक्स वीडियो क्रिएट किया BN एडिटर एप्लीकेशन के अंदर उसी लिरिक्स वीडियो ऐड कर लेना है। तो ये रहा आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में मिल जाएगा, या आप यहाँ से अपना गैलरी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करके आप डायरेक्टली गैलरी से भी ऐड कर सकते हो अपना लिरिक्स। तो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपना ब्लैक स्क्रीन का जो लिरिक्स एडिट किया था BN एडिटर एप्लीकेशन के अंदर उसको ऐड कर लिया। यहाँ से आपको इसे थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर लिरिक्स हो चुका है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एक प्लस आइकन मिलता है, जो नीचे का प्लस आइकन मिलता है, इस पर आप क्लिक करना। आपको यहाँ पर एसएस स्टोर मिलता है, आप सिंपली इस पर क्लिक करना। और आपको यहाँ पर ग्लो स्कैन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, ग्लो स्कैन के ऊपर आप सिंपली क्लिक करना, आपके टेक्स्ट पर ग्लो इफेक्ट आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर काफ़ी सारा सेटिंग दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिनका अमाउंट आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको इनके साथ बिल्कुल चढ़ाई नहीं करना है। आपको यहाँ पर ग्लो कलर मिलता है बिल्कुल नीचे, आप देख सकते हो। सो ये रहा, आप इस पर क्लिक करना। जो व्हाइट एरिया मिलता है इस पर आप क्लिक करना और यहाँ से आप रेड कलर को पिक कर लेना इस तरीके से, या कोई भी कलर आप यहाँ से पिक कर लेना, लाइक ये वाला कलर पिक कर लेते। एंड इसका जो ये जो एस का लाइन मिलता है इसे आप इस कलर पर लेके आ जाना। सो कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर आप इसका भी कलर आप यहाँ पर लेके आ जाना। एंड उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे RGB पर, यहाँ पर भी आप सबका कलर जो इस तरीके सेट कर लेंगे। सो एंड उसके बाद आप यहाँ पर जो खाली जगह मिलती है यहाँ पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हो हमारे टेक्स्ट पर ग्लो इफेक्ट आ चुका है। तो अभी आपको यहाँ पर नीचे प्लस आइकन मिलेगा अगेन, आप इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अभी आपको अगेन एस एस स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है कि रेन ड्रॉप कहाँ पर है। तो ये रहा रेन ड्रॉप, आप देख सकते हो। सो यहाँ पर रेन ड्रॉप्स मिलते हैं, इस पर आप क्लिक करना तो आपके टेक्स्ट पर रेन ड्रॉप्स आ जाएगा, लेकिन आपका टेक्स्ट जो ब्लर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लर नाम का एक ऑप्शन मिलता है। सो इसका जो अमाउंट है आपको जीरो कर लेना है, तो आप इस पर क्लिक करना। इसका अमाउंट को आप रिमूव कर लेना, जीरो लिख लेना, ओके में प्रेस करना, तो आपके टेक्स्ट पर ग्लो इफेक्ट आ जाएगा। सो यहाँ से मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ स्टार्टिंग से। सो यहाँ से आप इसे प्ले कर सकते हो, आपको प्ले का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करना। एंड कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो हमारा लिरिक्स वीडियो बनकर तैयार हो चुका है, ग्लोइंग लिरिक्स वीडियो। सो इस एप्लीकेशन के अंदर जब आप अपना लिरिक्स वीडियो एडिटिंग करके उसे प्रीव्यू करेंगे, तो आपको यहाँ पर जो लैग वगैरह दिखाई देगा वीडियो प्ले होने में, और साथ में जो आपका जो वीडियो सही दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो जब आप इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। सो यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सो ये आप देख सकते हो हमें जैसा लिरिक्स चाहिए वैसा हमारा लिरिक्स वीडियो बन चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप भी लिरिक्स वीडियो इस तरीके से बना सकते हो। अभी हमें क्या करना है, इसे एक्सपोर्ट कर लेना हमारी गैलरी पर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये जो मिलता है डाउनलोडिंग का आइकन, इस पर आप क्लिक करना। यहाँ से आप क्वालिटी वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो इनके ऊपर क्लिक करके। एंड यहाँ पर आपको ये जो ब्लैक ऑप्शन मिलता है ग्रीन, इस पर आप क्लिक करना, तो आपका जो वीडियो है सीधा आपकी गैलरी पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वीडियो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। जब तक वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो जाता तब तक आपको स्क्रीन को ऑफ नहीं करना है और स्क्रीन से आपको रिमूव भी नहीं हो।
तो आपको स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर नहीं जाना है, ठीक है। सो आपको यहीं पर रहना है जब तक वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो जाता है। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल ग्लो लिरिक्स वीडियो एडिटिंग का। सो अगर आपको ट्यूटोरियल से कुछ सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।